अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों और करंट इशूज से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहें। रुक करेंगे साहिवाल का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा खसूसी अली रज़ा। मरकजी तंजीम के ताजरान अहदेदारान और मेम्बरान शहर भर में बढ़ती हुई डकैतियों के खिलाफ पुरजोर मजम्मत। मरकजी तंजीम ताजरान साहिवाल के चेयरमैन जफर सरदार घुम्मन, सदर चौधरी वसीम हफीज, वाइस चेयरमैन शेख शकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी शेख आसिम अशरफ, नायब सदर शेख इमरान, नायब सदर मुस्तफ़ा भट्टी, नायब सदर राना बशारत, जॉइंट सेक्रेटरी शेख मोहम्मद उस्मान अली, एडिशनल सेक्रेटरी अली हसन नकवी, मिर्ज़ा इरफान लतीफ़, एग्जीक्यूटिव मेंबर शेख मसूद अहमद गोशी, हाफिज इमरान, शेख अफजल, मियाँ दरी स्टोर, हीरा ट्रेडर्स, फरीदिया ट्रेडर्स, मिर्दा नदीम, कामरान मुगल आयरन स्टोर, मुजफ्फर रहमत ट्रेडर्स होलसेल शू मार्केट, हसन मेडिकल स्टोर चौक पाक पतन में होने वाली डकैतियों पर पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि ताजिर बिरादरी में साहिवाल में होने वाली नॉन स्टॉप डकैतियों पर सख्त गम गुस्से का शिकार है और अगर ताजिर अदम तहफ़ की वजह से यूं ही खुलेआम अपने कारोबारी मराकज़ में लुटते रहे तो दुकानों, स्टोरों और कारोबारी मकामात पर बैठना नामुमकिन हो जाएगा। दीगर ये कि ताजिरों की दिन रात मेहनत की कमाई हुई अपनी रिज़्क़ हलाल की कमाई को अगर यूं ही एक घंटे में चार डकैतों की सूरत में असला बरदार डाकू लूटते रहे तो कारोबारी मराकज़ पर न सिर्फ बैठना नामुमकिन होगा बल्कि अपनी जानों को महफूज रखना भी मुश्किल हो जाएगा। और तमाम मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान मुतासरा ताजरों को मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाते हुए गहरे दुख का इजहार किया और साथ साथ ये भी कहा कि अगर इंतजामिया ने जल्द से जल्द डाकुओं को गिरफ्तार करके होने वाले नुकसान का अजाला ना किया तो पुरअमन एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। मजीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे साथ रहें के न्यूज़ चैनल इंटरनेशनल।